लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। मंगलवार मालदा जिले पर बंद का असर देखने को मिला। अलग अलग इलाकों में दुकान बाजार बंद रहा। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। समस्त श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दावी के এবং দেশ জুড়ে সমস্ত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি 18,000 টাকার দাবিতে, সমস্ত প্রবীণ নাগরিকের ন্যূনতম পেনশন 6,000 টাকার দাবিতে, সমস্ত ক্ষেত্রে এগুলো পালন করার দাবি সহ 12 দফা দাবিতে আজ এবং কাল সংঘর্ষ চলবে। আপনার নাম? केंद्रीय ट्रेड यूनियन और केंद्रीय फेडरेशन की बुलाई गई 48 घंटे की भारत बंद के पहले दिन उत्तर दिनाजपुर जिले में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। इस बंद का उत्तर दिनाजपुर जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है। सड़कों पर रोजमर्रा की तरह गाड़ियां चल रही हैं, सरकारी वाहने रास्तों पर चल रही हैं और दुकानें भी रोज की तरह खुली है। बंद डाकबार कारण कृषक फसल न्याय दाम, कृषक फसल जा उत्पादन करते खरच है तार डेढ़ गुण दाम दीते हैं। ন্যূনতম অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের 18,000 টাকা মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে। 60 বছর পর সমস্ত অসংগঠিত শিল্প শ্রমিক খেত মজুরদের 6,000 টাকা করে পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल के जमुरिया में भी बंद का असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने सरकारी बसों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की है, सरकारी चीजों को सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। घटनास्थल पर जमुरिया थाने की पुलिस पहुंची और किसी प्रकार हालात को काबू करने में लगी है। सिटी बस स्टैंड में बंद को लेकर बंद समर्थकों ने बस को रोकने की कोशिश में टीएमसी के साथ हाथापाई कर ली है। बाद में पुलिस ने बीच बचाव किया और बंद समर्थकों को वहां से हटाया गया। बंद समर्थकों के हमले से बस चालकों को बचाने के लिए उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम की तरफ से जिले के बस चालकों में हेलमेट बांटा गया। आपका नाम? नारायण मंडल। की करें अपने? एनबीएसटीसी ड्राइवर। हाथे हेलमेट क्यों? ये तो बंद अच्छा बोले, हेलमेट नहीं डिलीवरी जाता अच्छा। क्यों मैंने की कारण हेलमेट नहीं? रास्ते को जगह जो अटकई पाथर क्यों जो चलाई तार सुरक्षार जन्य। मुर्शिदाबाद जिले के मंगलवार बंद के पहले दिन बंद की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुबह से ही बस और ट्रेनों की आवाजाही स्वाभाविक थी। दुकानें भी रोजमर्रा की तरह खुली नजर आ रही हैं। हालांकि मजदूर संगठन की तरफ से कुछ एक जगहों पर रैली निकाली गई तो कहीं कहीं पर तोड़फोड़ भी किया गया। वहीं बस चालकों ने आज हेलमेट लगाकर बस चलाई। सीटू जिला के संपादक तुषार दे ने बताया कि कुछ कुछ जगहों पर उनके कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पूर्व बर्धवान आउस ग्राम में आज दोपहर सीटू समर्थकों ने हड़ताल सफल बनाने के लिए एक रैली निकाली। अवरोधकारियों ने गुस्करा बस स्टैंड से भी बसों को बाहर नहीं निकलने दिया। पुलिस के विरुद्ध सीटू नेताओं का कहना है कि आज हड़ताल में आए हुए समर्थकों के लिए सीटू के तरफ से खान पान का भी आयोजन किया गया था, परंतु पुलिस ने वहाँ जाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसके विरुद्ध में प्रतिवाद करने के लिए सीटू समर्थक रास्तों में अवरोध करने लगे। सीटू समर्थकों ने कई गाड़ियां तोड़ फोड़ दी। वहीं पुलिस ने अवरोध के लिए समर्थक के ऊपर लाठी चार्ज कर दी। ये आती है स्टेशन रखने मिचले स्लोगान दिखी बंद समर्थन में पुलिस प्रचंड মানুষজন এদিক ওদিক চলে যায়। একটু জোরে বলুন। সেখান থেকে আমাদের জীবনকে অ্যারেস্ট করে, অ্যারেস্ট করার পরে আমাদের আবার পার্টি অফিসে তারা আসে। পার্টি অফিসে আমাদের যে মোটরসাইকেলগুলো চলে সেগুলোকে ভাঙচুর করে। কারা ভাঙচুর করে? পুলিশই ভাঙচুর করে। উত্তর দিনাজপুর জেলে কে কালিয়াগঞ্জ নগর নিগম কে টিএমসি পার্ষদ গদাধর বর্মন
89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। गदाधर के पार्थिव शरीर को नगर निगम के सदस्यों की तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए विवेकानंद मोड़ के निमतल्ला घाट के टीएमसी कार्यालय में ले जाया गया। গদাদা কে আমার স্কুল জীবন থেকে আমি চিনি। আমি যখন সরলা সুন্দরীতে পড়তাম তখন থেকে ওনাকে দেখেছি এবং উনি হেলথের চাকরি করতেন সেটা জানতাম। এই সর্বোপরি গদাদার যে মিশুকেপনা, সর্দাদা যে সর্বদা সর্বদা সবার সাথে হেসে কেছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা বাচ্চার থেকে ছোট থেকে বুড়োর থেকে আমাদের বয়সী সবার সাথে মিশতে একইভাবে, গদাদার এই চলে যাওয়াটা এটা মানা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে চলে যেতেই হবে সবাইকে। आखिरकार मंगलवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के मृत छात्रों के परिजनों ने अपने हाथों से दारीभीट स्कूल के दीवारों से, स्कूल के गेट से फ्लैक्स और पोस्टर्स निकाल दिए। मृत छात्र तापस वर्मन की मां मंजू वर्मन ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश की मान्यता देने के लिए एक कदम उठाया गया है। কারণটা হাইকোর্ট থেকে রায় দিয়েছে পোস্টার করার জন্য, তাই হাইকোর্টকে আমরা অপমান করব না, তার জন্য পোস্টার খুলে দিলাম। আর পুনরায় যদি রাজ্য সরকার সিবিআই তদন্ত না দেয় আমরা আবার স্কুলে পোস্টার লাগাবো, স্কুলে আবার ধর্না মঞ্চ থাকবে। এখন আমরা ধর্না মঞ্চ বা স্কুলের গেট সবই খুলে দিচ্ছি। महज 100 रुपए के लिए मालदह जिले के भांगा टोला गांव में भतीजे कालू हलदार ने अपने 45 वर्षीय फूफा पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया है। इस हमले में उसके फूफा घायल हुए हैं। सोमवार को गयानाथ को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। गयानाथ की पत्नी मौसमी हलदार ने भतीजे कालू के खिलाफ वैष्णव नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से आरोपी कालू फरार है। পিসার কাছে 100 টাকা চেয়েছিল কালু, দেয়নি। সেটার জন্য খুব গালাগালি দিয়েছিল, দেয়নি বলে গালাগালি দিয়েছে। তো বলে যে কেন রে, হাসুয়ালি এসে দিয়েছে, কেটে ফুপিয়ে দিয়েছে, কেমন করে কেটেছে, 17-18টা সেলাই করেছে। অবস্থা কেমন আছে? অবস্থা খুব ভালো নয়। ग्राम में सोमवार की शाम आग तापते समय लगड़ बघे ने 19 वर्षीय सनातन हेम्ब्रम और 18 वर्षीय ललित हेम्ब्रम नामक दो आदिवासी युवकों पर हमला बोल दिया और जंगल की तरफ भाग गया। घायल आदिवासियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झाड़ग्राम की डीएफओ बास बराज हैलाची ने पूरे मामले पर नजर रखते हुए गाँव वालों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। झाड़ग्राम के काफी सारे हिस्सों में पुलिस की गाड़ियों की मौजूदगी में गैर सरकारी बसों को चलाया जा रहा है। बंद को लेकर हर तरफ से एहतियात बरता जा रहा है ताकि कोई आपत्तिजनक घटना ना घटे। पुलिस सुबह से ही तत्पर है। उत्तर दिनाजपुर जिले के चंडी तला के 10 नंबर रायगंज बालूरघाट राज्य सड़क पर बंद समर्थकों के हमले से एक सरकारी बस की खिड़की टूट गई है, जिसकी वजह से वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। তোমার নাম কি হয়েছিল, কোথায় ছিল গাড়ি? ইসলামপুর থেকে বালু। হ্যাঁ, তারপর কি হলো? যখন শিলিগুড়ি মোড় অবধি আমাদের পুলিশে নিয়ে আসলো, তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করি, বললো যে ঠিক আছে তোমরা সামনে আসতে চাও, আমরা কর্ণজোড়া দাঁড়াবো। আমরা বললাম বাথরুম ধরুন প্যাসেঞ্জারে। হ্যাঁ, যখন আসি তখন ওই চণ্ডীতলার ওইখানে মানে রানিংয়ে ছিল, রানিংয়ে ছিল গাড়িটা। হ্যাঁ, ওখান থেকে যে ঢিলটা মারলো কোনো আড়াল দেখ বুঝতে পারি কেউ হাত হয়েছে না কারো। কি ভেঙেছে গাড়ি? কাজ জানলার কাজ ভাঙছে। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना अंतर्गत गाइसल 2 नंबर गांव पंचायत की रहने वाली 17 वर्षीय परवीना खातून गोयल पुकुर थाना अंतर्गत हाथिया बाड़ी अपने मामा के घर घूमने आई थी। सोमवार से लापता परवीना की तलाश में जुटे उनके घर वालों को सुबह मंगलवार को जाके चांग मारी बांस झाड़ियों से परवीना का शव मिला। स्थानीय लोगों ने और घर वालों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आकर परवीना के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच में जुटी है। फोन आया था, सर देखता हूँ, टाइम देख लेता हूँ मैं, तो इसका फोन आया था, साले का, मामा का, इसका लड़की का, बोले 5-6 बजे से लड़की घर में नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या करा जाए? बोले के देखो, तो मैंने कहा उसके घर वालों को बता दो। तो बोले नहीं, घर वालों को नहीं बताएंगे, तो बताएंगे तो फिर वो गुस्सा होगा, हमको डांटेगा।